नीट पेपर लीक पर बड़ा खुलासा हुआ है। मुंबई में चल रहा था फर्जी काउंसलिंग सेंटर। जानकारी के मुताबिक काउंसलिंग सेंटर का जो मालिक है वो फरार बताया जा रहा है। मालिक ने अपना झूठा नाम आदित्य देशमुख बताया, स्टाफ से भी असली नाम छिपाने को कहा था। इस काउंसलिंग सेंटर को चलाने वाले कथित आदित्य देशमुख नाम का शख्स जो है वो फरार है और इस काउंसलिंग सेंटर में काम करने वाले जो लोग हैं वो परेशान है। 60 लोगों की पूरी टीम है जो इस काउंसलिंग सेंटर में काम करते थे और जब ये सुबह दफ्तर पहुंचे हैं यहाँ पर शुक्रवार को, तो यहाँ पर उनके मालिक मौजूद नहीं थे। इन लोगों को गुरुवार को ये कहा गया था कि दरअसल यहाँ पर रिनोवेशन का काम किया जाएगा, आप लोग ऑफिस मत आइए। शुक्रवार को जब पहुंचे तो यहाँ पर कोई भी नहीं था। यहाँ पे रिनोवेशन करने जा रहे हैं करके हमें मना किया और बोले दो दिन आपको आना है नहीं यहाँ पे क्योंकि रिनोवेशन चल रहा है। गड़बड़ तो है, उनको बहुत नॉलेज था नीट के बारे में, MBBS के बारे में, कॉलेजेस के बारे में, सीट्स के बारे में, पूरा नॉलेज था उनको। इमिडिएटली हमको वैकेट कराया गया यहाँ से, उसके बाद दो दिन के बाद पता चल रहा है हम ऑफिस आ रहे हैं तो ऑफिस में कुछ भी नहीं है। उस तरह से तो ऐसा लग ही रहा है कि कुछ तो डाउट है, मतलब कुछ तो चल रहा है या कुछ तो चल रहा था जो हमको नहीं पता। जिस डे वन से उस बंदे ने अपना नाम सही बताया ही नहीं है। और गुजरात के पंचमहल की गोधरा कोर्ट में आज नीट मामले के 4 आरोपियों को पेश किया गया। कोर्ट इनकी रिमांड को लेकर कल फैसला सुनाएगा। नीट पेपर लीक मामले में गुजरात के पंचमहल में आज आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। आरोपी तुषार भट्ट, पुरुषोत्तम शर्मा, विभोर आनंद और आरिफ वोरा की गोधरा की अदालत में पेशी हुई। CBI ने सभी राज्यों से जुड़ी जांच को लेकर गिरफ्तार आरोपियों की रिमांड मांगी। कोर्ट ने मामले पर कल फैसला सुनाने का आदेश दिया है। पेशी के बाद तीनों आरोपी मीडिया के सवालों से बचते नजर आए। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अपना ऑर्डर कल तक मुलतवी किया है और एक बात बहुत अच्छी आज सामने आई थी कि दो जो एक्यूज है आनंद विपुर और तुषार भट्ट, उनके वकीलों ने नामदार कोर्टों को फेयरली ऐसा बोला है कि सर हमको कस्टडी में दीजिए, हमको कोई वादा नहीं। यहाँ गुजरात पुलिस ने भी कहा है कि नो पेपर लीक का तो ये मामला है नहीं और ये जो प्रकरण चल रहा है वो दूसरे राज्यों से अलग है, दूसरे राज्यों से बहुत अलग है। लास्ट में क्या हुआ, अंतिम लास्ट में कल वो उसका फैसला है whether the remand is granted or not। फिलहाल सभी आरोपी न्यायिक हिरासत में गोधरा जेल में बंद हैं। नीट पेपर लीक मामले में CBI मनीष और आशुतोष को रिमांड में लेने की तैयारी में है। CBI ने इन दोनों को गिरफ्तार किया था। पेपर लीक मामले में CBI लगातार छापेमारी कर रही है, इस मामले से जुड़े लोगों से पूछताछ कर रही है। आरोपियों की पूछताछ में मिले सुराग के आधार पर और भी गिरफ्तारियां हो रही हैं। CBI ने दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया है, मनीष प्रकाश और आशुतोष को गिरफ्तार किया है। इन दोनों की गिरफ्तारी से CBI को कई और सबूत मिल सकते हैं। CBI अब इन दोनों को रिमांड पर लेकर पूछताछ करने की तैयारी में है। इन दोनों आरोपियों के संबंध संजीव मुखिया से हैं। मनीष और आशुतोष ने पटना के एक प्ले स्कूल में कैंडिडेट्स को नीट परीक्षा के पेपर उपलब्ध कराए थे। ये दोनों अभ्यर्थियों के साथ काफी देर तक मौजूद रहे थे और आंसर पेपर रटवाने में मदद की थी। आशुतोष जहां पर अभ्यर्थियों को ठहराया गया था, जिस स्कूल में अभ्यर्थियों को आंसर रटवाए गए थे, उस स्कूल का संचालक है। वो सेफ हाउस के ऊपर ही किराए पर रहता भी था। जिस CBI की गिरफ्त में दूसरा आरोपी मनीष की भूमिका भी पेपर लीक में काफी अहम है। मनीष पर आरोप है कि वो चिंटू के साथ मिलकर अभ्यर्थियों को सेफ हाउस तक उसने पहुंचाया था। और CBI की टीम ने OSS स्कूल के प्रिंसिपल एहसान उल हक से पूछताछ की है। CBI अब उन्हें लेकर रांची लेकर पहुंच रही है। पिछले 3 दिनों से CBI की टीम हजारीबाग में नीट पेपर लीक मामले की जांच कर रही है। OSS स्कूल में जांच के बाद प्रिंसिपल एहसान उल हक को हिरासत में लेकर CBI ने पूछताछ की है। अब CBI की टीम एहसान उल हक को रांची लेकर गई है। नीट पेपर लीक मामले को लेकर के जिस दिन से खुलासा हुआ है कि पेपर लीक हुआ है, उसके बाद से ही OSS स्कूल शक के दायरे पे रहा है और CBI जब जांच करनी शुरू की है उसके बाद से ही यहाँ के जो प्रिंसिपल है उसे अपने साथ रखी हुई थी। पिछले 3 दिनों से 3 रात तक CBI ने प्रिंसिपल एहसान उल हक के साथ पूछताछ की और विभिन्न पहलुओं पर जांच की। आखिरकार आज CBI की टीम ने एहसान उल हक को अपने साथ रांची की ओर ले गई। कहा यह जा रहा है कि एहसान उल हक का पेपर लीक मामले में नाम आ सकता है। दरअसल नीट पेपर लीक मामले की जांच के दौरान बिहार पुलिस को गिरफ्तार अभ्यर्थियों के घर से आधे जले कागजात मिले थे। उसके बाद EOU ने इन जले हुए कागजात का मिलान किया था, जिसमें आधे जले कागजात में
68 प्रश्न हूबहू पाए गए। ये प्रश्न पत्र हजारीबाग के ओएसएस स्कूल के बुकलेट से मेल खाते हैं। तभी से जांच एजेंसियों की नजर इस स्कूल पर थी।